बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, गंठिया गाउट या गंठिया की जो पेन होती है, और गंठिया ये क्या चीज़ है। इसमें बेसिकली ये होता है कि पाँव की जो उंगलियाँ हैं, अंगूठा जो है बेसिकली, उसके जो ज्वाइंट के अंदर हीटअप हो रहा है और रेड हो रहा है और उधर दर्द शुरू हो रही है। पहले वहाँ से शुरू होती है, फिर ये आगे आगे यानी कि दूसरे ज्वाइंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चली जाती होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये किस तरह हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, ज़्यादातर जो होते हैं यंग मेल के अंदर, और ओल्ड जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो अब इसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे इसको यानी कि हम क्या वाकई ये गाउट का पेन है या कोई दूसरा पेन है। तो अब इसमें एक और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि किसी को कोई ट्रोमा हो गया, कोई चोट लगी उसकी वजह से, कोई वायरल इन्फेक्शन थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो आप उसको भी गाउट में डाल देते होते हैं। तो उससे पहले हमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल का टेस्ट करवाना होगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर उसका टेस्ट में वो ज्यादा आ रहे हैं, तो उस ज्यादा होने की वजह से वो हमें प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। पहले वो ज्यादातर जो देखने में आया वो पाँव के अंगूठे के अंदर, वहां पर अंगूठे का जो ज्वाइंट होता है इसके अंदर बेसिकली वो पहले हीटअप होता है, फिर उधर दर्द शुरू हो जाती है, फिर वो स्वेलिंग हो जाती है, तो ये कंडीशनें हो जाती होती हैं। अब ये चीजें के कौन सी चीजें इसमें रिस्क फैक्टर हैं। अब ये पेन जैसे मैंने आपको बताया, पहले ये होगा पाँव से शुरू होगा, इसका सिम्टम क्या होगा, फिर ये पूरी बॉडी में फैलना यानी कि सालों साल फिर आगे फैलता ये चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चीज यानी कि बढ़ती चली जाएगी और इस तरह पेन बढ़ता चला जाएगा, और उसमें हम टेस्ट करवाएंगे प्रॉपर तो उसमें हमें पता चलेगा कि यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन चीजों की बुनियाद पर यह चीज होती है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है, रेड मीट है, सुर्ख गोश्त जो हम ज्यादा खाते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। फिर उसके साथ जो दूसरा रिस्क इसमें आ सकता है कि जैसे अल्कोहल कोई ज्यादा यूज करता है, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल यूजर है, रेड मीट का यूज कर रहा है, झींगा मछली का यूज कर रहा है, तो उसमें भी यानी कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंजेनिटली भी होते हैं, यानी फादर को था तो आगे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर हमने इसको प्रॉपर डायग्नोज ना करवाया, प्रॉपर डायग्नोज नहीं होगा तो फिर क्या है कि हम यानी कि इसकी टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, टेम्परेरी से ही ज्यादा एक्सेसिव हो रहा होता है, फिर ये बार बार अटैक करता रहेगा और उसकी वजह से बार बार बैड इफेक्ट जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमें मिनिमाइज करने के लिए जो चीजें जैसे रेड मीट है उसको काम करना पड़ेगा, अल्कोहल अगर कोई बहुत ज्यादा यूज करता है उसको काम करना पड़ेगा, और डाइट को प्रॉपर रखना पड़ेगा, हर तरह की चीज या बाजारी चीज या सॉफ्ट ड्रिंक जो वगैरह है उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो उससे ये मिनिमाइज हो सकती है। फिर हमें प्रॉपर जो है इसको चेक करवाना पड़ेगा और साथ इसके इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, और साथ इसके हमें डाइट का प्लान भी रखना पड़ेगा, और जो यूरिक एसिड की मेडिसिन है अगर डायग्नोज हो गया तो वो हमें लेनी चाहिए। ये नहीं कि उस तरतीब में छोड़ देनी चाहिए कि पता नहीं अब ये मेरे जो सारी जिंदगी ना खानी पड़े, ये ना हो जाए वो ना, जैसे हमारे यहाँ जो बैड बिलीव बने हुए, गलत कॉन्सेप्ट बने हुए, तो उनकी बुनियाद पर हम लेते होते हैं। तो अगर किसी को ये अलामत हैं तो इन चीज़ों को कम कर दें जो चीज़ें मैंने बोली हैं, तो बहुत हद तक अच्छी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।